हेलो गाइस, आज मैं आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। स्टील का वेट कैसे निकालते हैं साइड पे। स्टील का वेट हमारा टू टाइप्स में निकलता है। एक तो निकलता है कैलकुलेशन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, एक निकलता है वेट के अकॉर्डिंग। फर्स्ट जो हमारा जो इजी मेथड होता है वो हमारा वेट होता है, वेट होता है ट्रक का। ट्रक का सपोज दैट मेरे पास एक गाड़ी आई है 1000 kg की। मेरे पास एक गाड़ी आई है, पहले मैं उसका वेट करवाता हूँ और उसका जो वेट निकल के आता है मेरे पास 1000 kg आता है। उस भरी हुई गाड़ी का वेट कराने के बाद में मैं उस जो गाड़ी में जो मेरा स्टील होता है उस स्टील को साइड पे खाली कराने के बाद में जो मेरी खाली गाड़ी होती है उस गाड़ी का मैं फिर दोबारा वेट कराता हूँ। खाली गाड़ी का वेट वेट मेरा है 500 kg। 500 kg जो खाली गाड़ी का वेट है 500 kg, दोनों का आपस में माइनस करके टोटल मेरा स्टील का वेट जो साइड पे मेरा स्टील आया है टोटल उसका वेट निकल जाएगा। एक सिंपल मेथड ये है। सेकंड फॉर्मूला होता है स्टील वेट कैलकुलेशन फॉर्मूला। स्टील हमारा होता है 6 mm का होता है, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm, 20 mm, 25 mm, 28 mm, 32 mm, 40 mm का स्टील होता है। आईएस कोड जो हमारा होता है IS code 456-2000 के अकॉर्डिंग हमारे स्टील फॉर्मूला होता है। स्टील की जो स्टैंडर्ड जो लेंथ होती है 12 मीटर के स्टील की स्टैंडर्ड लेंथ होती है। इसको यह हमारे स्टील फिट में 39.6 इंच का होता है। अब मैं सिंपल कैलकुलेशन करने जा रहा हूं 1 मीटर की लेंथ से। मैं आपको सिंपल कैलकुलेशन करने जा रहा हूं। फॉर्मूला होता है d² / 162 मल्टीप्लाई l। d² 6 mm का, 6 × 6 6 × 6 / 162 × 1 मीटर। 1 मीटर का कैलकुलेशन फॉर्मूला 1 मीटर का मैं निकाल रहा हूं, तो इसको सॉल्व करने के बाद में आएगा 0.22 kg। 1 मीटर का 0.22 kg मेरा पर मीटर वेट आएगा। d² / 162 × l 8 kg का, 1 मीटर का आएगा 0.395 kg। यही सारी संख्या मैं इस फॉर्मूले में पुट करके आगे वेट निकालता जाऊंगा। 10 का निकाल लिया मैंने इस फॉर्मूले में पुट करके 0.62 kg। इस फॉर्मूले में पुट करके 12 का सरिया फॉर्मूले में पुट करा 0.89 kg पर मीटर। इस फॉर्मूले में मैंने 16 का सरिया पुट करा 1.58 पर केजी मीटर। 20 का मैंने ऐसे सॉल्व करके 2.47 पर केजी, 25 का सॉल्व करके 3.85 पर केजी, 28 का सॉल्व करके 4.83 kg, 32 का सरिया 6.31 kg, 40 का इस फॉर्मूले में पुट करके 9.87 पर केजी पर मीटर। अब मैं इस जो मैंने पर मीटर का जो कैलकुलेशन करा है, मेरी जो एक स्टैंडर्ड जो लेंथ होती है, आप कोई सा भी सरिया मांगो, TMT, TMX, आप कोई सा भी सरिया मांगो, जो मेरी इंडियन स्टैंडर्ड जो लेंथ होती है वो मेरी स्टील की 12 मीटर होती है। मैं 12 मीटर की होती है, मैं इसको 12 मीटर इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मैं स्टील का वेट मीटर में निकाल रहा हूं, तो इसलिए मैं 12 मीटर का लूंगा। मैंने पहले ले रखा है जो मेरा 1 मीटर का आया 6 mm का 0.22, ये 1 मीटर का कैलकुलेशन है। 12 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा एक लेंथ का 6 mm की एक लेंथ का फॉर्मूला आ जाएगा 2.64। 0.398 mm का, 8 mm की सर स्टील का पर मीटर का जो वेट है उसको 12 से मल्टीप्लाई करूंगा 4.74 kg आएगा। 10 mm का जो वेट निकला 0.62 × 12 7.4 kg
12 का 0.89 मल्टीप्लाई 12 10.68 केजी, 1.58 मल्टीप्लाई 12 18.96 केजी, 2.47 मल्टीप्लाई 12 29.64 केजी, 3.85 मल्टीप्लाई 12 46.2 केजी, 4.83 मल्टीप्लाई 12 57.96 केजी, 6.31 मल्टीप्लाई 12 75.72 केजी, 9.87 मल्टीप्लाई 12 118 केजी का ये मेरा स्टील होता है, ये मेरा बल लेंथ का स्टील वेट निकलता है। अगर सपोज दैट आपके साइड पे कोई स्टील आया है और स्टील आता है हमारा बंडल में आता है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारे एक बंडल में कितना सरिया आता है और उसको हम कैसे पता करें कि हमारे एक बंडल का क्या वेट होता है। तो मैंने लिख रखा है एक बंडल में 6 एमएम के स्टील में 20 बार्स आते हैं, 6 एमएम के स्टील के बंडल में 20 बार्स आते हैं, 8 एमएम के बंडल में हमारे 18 बार्स आते हैं, 10 एमएम के बंडल में 10 बार्स आते हैं, 12 एमएम के बंडल में 7 बार्स आते हैं, 16 एमएम के बंडल में 4 बार्स आते हैं, 20 एमएम के बंडल में 3 बार्स आते हैं, 25 एमएम के बंडल में 1 बार्स आता है, 28 एमएम के बंडल में हमारा 1 बार्स आता है, 32 एमएम के बंडल में 1 बार्स आता है, 40 एमएम के बंडल में हमारा 1 बार्स आता है। अब सिंपल ट्रिक क्या होती है, जो हमारा 1 मीटर का जो हमने जो हमारी कैलकुलेशन करके वेट निकला है उसको मैं नंबर ऑफ बार्स वन बंडल में जो नंबर ऑफ बार्स है उनको मैं सिंपल मल्टीप्लाई करता जाऊंगा। 2.64 मल्टीप्लाई 20, 6 एमएम का मेरे 6 एमएम के एक बंडल में 52.8 केजी हमारे बार्स है, 8 एमएम के एक बंडल में हमारे 18 बार्स होते हैं और एक बार्स का मेरा जो वेट है 4.74 है मल्टीप्लाई 18 85.0 केजी है, 7.44 मल्टीप्लाई 10 74.4 केजी, 12 एमएम के 12 एमएम के बार्स में एक फुल लेंथ में 10.68 का वेट होता है मल्टीप्लाई, और 12 के बंडल में हमारे 7 बार्स होते हैं आपस में मल्टीप्लाई करके 74.76 हमारा केजी वेट निकल जाएगा। 16 के बार्स में 16 का जो बार्स का जो पर मीटर जो पर लेंथ हमारा वेट होता है 18.96 होता है मल्टीप्लाई 4 75.84 हमारा केजी है, 29.64 ये हमारा फुल लेंथ फॉर्मूला फुल लेंथ वेट है मल्टीप्लाई 3 पीस 88.92 केजी एक बंडल का हमारा ये वेट निकल के आया है, 25 एमएम का फुल लेंथ का जो वेट है 46.2 है मल्टीप्लाई 1 46.2 केजी एक हमारे जो 25 एमएम का जो हमारा सरिया आता है वो हमारा एक बंडल में एक आता है, 28 एमएम का स्टील का जो एक फुल लेंथ का जो वेट है 57.96 मल्टीप्लाई 1 57.96 इसमें भी हमारा 28 एमएम के स्टील के वेट में हमारा एक ही पीस आता है एक बंडल में एक ही पीस आता है, 32 के जो हमारा फुल लेंथ का जो वेट है 75.72 32 का भी हमारा फुल लेंथ में एक ही बंडल आता है 75.72 इसका वेट आएगा एक पीस का टोटल 12 एक पीस का टोटल 12 मीटर का हमारा 12 मीटर का हमारा 75.72 हमारा टोटल वेट है, 40 एमएम का 11 8 हमारा फुल लेंथ है तो 40 एमएम के में भी हमारा एक बंडल में एक पीस आता है टोटल 118 केजी है। सपोज दैट साइड पे आपका ये सिंपल सी ट्रिक है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करके हमें ये पता लग जाएगा कि हमारा एक बंडल में इतना सरिया आया है और इसको मल्टीप्लाई करके
हम पता कर लेंगे कि हमारा साइट पे कितना स्टील आया है कितना नहीं आया है, तो इससे हमें पता लग जाएगा कि स्टील हमारा कम है या फिर ज्यादा है। सपोज दैट एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, 500 केजी मैंने 500 केजी 25 mm का स्टील का मैंने ऑर्डर दिया है, 25 केजी मैंने स्टील का ऑर्डर दिया है, 100 केजी मैंने 8 mm का ऑर्डर दिया है, 400 केजी मैंने 10 mm का स्टील प्लेट का ऑर्डर दिया है। तो आपको कैसे पता लगेगा मेरे कितने नंबर ऑफ बार साइट पर आएंगे? अगर कम आ रहे हैं तो कोई गड़बड़ की है, या फिर दुकानदार से जिस जगह से आपका माल आ रहा है तो उसने कुछ गड़बड़ की है। तो आपको पता होना चाहिए 500 केजी में मेरे 500 केजी है, 500 केजी मैंने वेट है, 500 केजी मैंने स्टील का ऑर्डर दिया है, तो 25 mm का जो है 25 मल्टीप्लाई वन लेंथ का है 25 mm वन लेंथ है मेरी 46.2 46.2 का वेट होता है वन लेंथ का, 46.2 वन लेंथ का फुल लेंथ का मेरा वेट होता है। अब मैं कैलसी में इसको सोल्व करके बता रहा हूं, 25 मल्टीप्लाई 46.2 एक मिनट 25 मल्टीप्लाई 500 डिवाइडेड बाय 46.2 तो गाइस इसको मैं सिंपल तरीके से बता रहा हूं, एक लेंथ में 25 mm का जो लेंथ का जो वेट होता है हमारा 46.2 केजी होता है, केजी होता है। अब इसको टोटल नंबर ऑफ बार्स निकालूंगा तो मैं क्या करूंगा, 500 डिवाइडेड बाय 46.2 करता हूं तो मेरा टोटल नंबर ऑफ बार्स निकलेंगे 10.8 केजी। तो मैं इस तो मेरे स्टील जो साइड पर आएगा 11 9 30 साइड पर आएंगे। 100 केजी 8 एमएम का स्टील मैंने मंगवाया है, 100 केजी जो मेरा 8 का स्टील है, स्टील मैंने मंगवाया 8 एमएम का फुल लेंथ का, जो फुल लेंथ का जो वेट होता है 4.74 होता है, 4.74 केजी। अब मैं क्या करूंगा, 100 केजी है, 100 केजी डिवाइडेड बाय 4.74 ये 4 केजी, 100 डिवाइडेड बाय 4.74 टोटल 21 पीस मेरे साइट पर आएंगे, 21 पीस मेरे साइट पर आएंगे। अगर ये मेरी साइट पर 19 आ रही है 18 आ रहे हैं तो जहां से मेरा स्टील आया है उसने कुछ चालाकी की है और कम बार्स दिए हैं, या फिर उसने कुछ टाका मारा है। अगर मैं 400 केजी साइड में मेरा स्टील आ रहा है 10 mm का, 10 mm का जो स्टील का जो फुल लेंथ होती है फुल लेंथ का जो वेट होता है 7.44 होता है, 7.44 होता है। इस 400 केजी को मैं 400 केजी को डिवाइड करूंगा 7.44, डिवाइड करने पे 53 पीस आएंगे, 53 पीस मेरे साइड पर आएंगे। अगर 53 पीस साइड पे 47 आ रहे हैं 48 आ रहे हैं, या फिर वो सप्लायर 50 पीस भेज रहा है तो सप्लायर ने कुछ चालाकी की है आपके साथ, तो आपको पता होना चाहिए कि इस फॉर्मूले से आप ये पता लगा सकते हो कि मेरे साइट पे कितना मैंने स्टील का ऑर्डर दिया है और मेरी साइट पे कितने नंबर ऑफ बार्स आएंगे।
साइड पे मेरे कितने नंबर ऑफ बार्स आएंगे, तो आप इस सिंपल ट्रिक से पता लगा सकते हो। तो ये सिंपल ट्रिक से आप पता लगा सकते हो कि साइड पे मेरे कितने नंबर ऑफ बार्स आएंगे। तो गाइस अगर मेरी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और आपके लिए ऐसे ही इंफॉर्मेशन वीडियो आगे मिलती रहेगी। तो आप अपने दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत माता।